तो ये उदारता भी भगवान का गुण है। उदार शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति क्या है, हमने गुरुजनों से सुना है, उत ऊर्ध्वम राति ददातीति उदारः, अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। अपनी आय का 10% 5% खर्च करने वाले को उदार नहीं करते, उदार उसको कहते हैं कि आय है 100 रुपया और सेवा में लगाने की इच्छा है 125 रुपया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, उसको उदार कहते हैं। अतिशय उदार हैं भगवान, अतिशय उदार है। इनके जैसा उदार और कोई दूसरा नहीं है, भगवान अति उदार है। उदार चक्र चूड़ामणि, ये गुण भी भगवान का गुण है, उदारता का गुण। संसार में एक से एक बढ़कर उदार लोग भी हैं, जिनको लोग कहते हैं अरे ये तो बड़े उदार हैं, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा, सब लुटा दिया। संसार में उदारता का प्रदर्शन करने वाले लोग तो होते हैं, उदार नहीं होते हैं, उनकी उदारता में भी अपने किसी निहित तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति की भावना बनी रहती है, इसलिए वे उदार नहीं होते। उदारता तो दो में ही, या तो श्री ठाकुर जी में या श्री ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों में। संसार में मान लो कोई उदार व्यक्ति भी है तो वह अपना सर्वस्व भले ही दे दे, अपने आप को नहीं दे सकता, सब कुछ देने के बाद भी अपने को तो बचा लेगा कि नहीं। पर हमारे ठाकुर जी इतने उदार हैं कि तुम इनको चाहो तो इनको भी ले लो, वे अपने आप को भी भक्त के ऊपर न्योछावर कर देते हैं, ऐसी उदारता तो हमारे श्री ठाकुर जी में। हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवकों में ये उदारता है, सब में ये उदारता है। तो भगवान की उदारता तो यह है कि वो अपने आप को दे डालते हैं, और संतों की उदारता क्या है? संतों की उदारता क्या है? हम लोग संतों को क्या देते हैं? मान लो हम संतों को अन्न देते हैं तो वो नाशवान है कि अविनाशी, बोलो? नाशवान है। प्रातः यह संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। प्रातःकाल जो अन्न बना के रखा, सायंकाल को उसमें बदबू आने लग जाती है, सायंकाल को बना के रखा सवेरे तक बिगड़ जाता है, यह है शरीर। तो उस अन्न के रस से बना हुआ शरीर नित्य कैसे होगा? तो अन्न दिया तो वह भी अनित्य, जल दिया तो वह भी अनित्य, वस्त्र दिया तो कब तक? जीवन भर चल जाएगा एक कपड़ा, कभी ना कभी तो फट जाएगा। पैसा दिया तो खर्च हो जाएगा। तो हमने अन्न वस्त्र द्रव्य जो कुछ संत को दिया वह संसार का विनाशी पदार्थ दिया, पर संत ने प्रसन्न होकर हमारी झोली में रघुनाथ जी को डाल दिया,
हमारी झोली में बिहारी जी को डाल दिया, तो बोलो उदारता संसार में सिद्ध हुई कि संत में? संसार ने तो उदारता पूर्वक कुछ दिया तो भौतिक पदार्थ दिया, नाशवान पदार्थ दिया, और संत ने हमें अविनाशी की प्राप्ति करा दी, तो उदार कौन हुआ? इसलिए भगवान अपने आप को दे डालते हैं, इसलिए भगवान ऐसो को उदार जगमाही, और संत अपने ठाकुर को दे देते हैं। माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते हैं। देखो उदारता इसलिए मनुष्य में नहीं आती क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार के पदार्थों का महत्व रहता है। कपड़ा हो, रोटी हो, धन हो, सब चीज का महत्व है उसकी दृष्टि में। तो संसार की व्यक्ति वस्तु पदार्थ का महत्व जिसके भीतर है, तो जिस किसी भी पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि होगी, उसके संग्रह की और भोग की इच्छा होगी, उसे लुटाने की इच्छा नहीं होगी। जब इतना बढ़िया चीज है तो हमारे पास ही रहे, दूसरे को क्यों दिया जाए, ये बात रहेगी। उदारता नहीं आवेगी। उदारता तभी आ सकती है जब साधक सर्वथा निर्लोभ हो जाए, और सर्वथा निर्लोभ तभी होगा जब केवल भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि रहे, संसार के प्रति, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि का सर्वथा अभाव हुए बिना कोई भी साधक निर्लोभ नहीं हो सकता। निर्लोभ बनने का एकमात्र मूल मंत्र है कि हमारा 16 आना भाव भगवान की ओर लग जाए, हमारे चित्त में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि स्थापित हो जाए। संसार के प्रति नारायण इतना महत्व है कि कई बार हमारा परमार्थ बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है, संसार का स्वार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। आप सोचो, होना यह चाहिए संसार बिगड़े तो बिगड़े, वो तो कब तक बना के रखोगे, महाप्रलय होगी, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा परमार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन संसार के प्रति इतनी गहरी भावना हमारी बनी हुई है कि परमार्थ बिगड़े तो बिगड़ जाए, संसार का व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहिए। जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, झगड़ा भी करेंगे, हिंसा भी करेंगे, पाप पुण्य की परवाह नहीं करेंगे आप। जैसी महत्व बुद्धि शरीर के प्रति, संसार के प्रति, स्त्री पुत्र धन के प्रति है, इससे चौथाई महत्व बुद्धि भी भगवान के प्रति हो जाए तो काम बन जाए। पर संसार के प्रति जितनी महत्व बुद्धि हमारे में है, भगवान के प्रति उसकी आधी भी नहीं। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उदारता इसलिए संसार के प्राणियों में नहीं आती क्योंकि उनकी दृष्टि में संसार की वस्तुओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व बना रहता है, और ये महत्व बना रहने के कारण वे उन्हीं का भोग और उन्हीं का संग्रह करना चाहते हैं। वो किसी आवश्यकता वाले को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी दरिद्रता ही खत्म नहीं होती, जितना आ जाए उतना ही उनके लिए कम है। किंतु जिसकी महत्व बुद्धि भगवान के प्रति जागृत हो चुकी है, संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि नहीं है, वो उदार हो जाते हैं। संपूर्णानंद जी महाराज सौराष्ट्र के संत एक बार सत्संग करा रहे थे सुरेंद्रनगर में, तो एक शराब पीने वाला आदमी आ गया सत्संग में। वो ऐसा विचित्र था कि घर वाले परेशान थे, कोई चीज घर की हाथ पड़ जाए बेचकर पी जाए,
ऐसा पिटाई भी होती थी लेकिन सुधरा नहीं। तो एक बार कहीं उसके व्यसन पूर्ति का उपाय नहीं मिला तो श्री संपूर्णानंद जी के सत्संग में आकर बैठ गया। वहां किन्हीं लोगों ने कुछ भेंट की थी स्वामी जी के सामने। वो पहुंचते ही बोला, बापू 100 रुपया, 100 रुपया दीजिए। गुजराती में बोला कि 100 रुपये दो। तो स्वामी जी ने कहा कि जितनी इच्छा हो उतना उठा लो, 100 क्या, ये जितना इच्छा हो उतना उसमें से उठा लो। नहीं बापू 100 रुपये लेगा। 100 रुपये ले लिया, उठा लिया उसने। लोगों ने कहा, महाराज जी आपने जिसको रुपया उठाने को बोल दिया वो इस नगर का सबसे भारी शराबी आदमी है। ये तो धन का दुरुपयोग है। व्यसन करने वाले को रुपया देना ये ठीक नहीं है। संपूर्णानंद जी ने कहा कि यहां भेंट करने को तुमसे किसने कहा, तुमने हमारे सामने भेंट क्यों किया? हमारे कोई मठ नहीं, मंदिर नहीं, संस्था नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई चिकित्सालय नहीं, कोई गौशाला नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। हम पकड़ हैं, एक जगह रहते नहीं है, संग्रह रखते नहीं है। आपने क्यों रखा यहां रुपया? तुम्हारी दृष्टि में रुपया है, मेरी दृष्टि में कागज के टुकड़ों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। चाहे सब रख जाए तो कागज है हमारे लिए, सब उठा ले जाए तो कागज है हमारे लिए, पर 100 रुपए के कागज को जिसको व्यक्ति 100 रुपए मानता है उसको ले जाने से किसी के चित्त में प्रसन्नता होती है तो ले जाए, और जो करे न करे ये उसके विवेक के ऊपर है। अरे बोले महाराज जी आप तो सरल हैं, कुछ नहीं समझते, ये 100 रुपए का शराब पिएगा। स्वामी जी बोले ये शराब पिएगा तो इसको नशा चढ़ेगा, कितनी देर के लिए? 4-6 घंटे के लिए चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा। पर तुमको धन का नशा चढ़ा हुआ है जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरता है। तो बोलो नशे वाले तुम हुए कि ये हुआ? ये तो बेचारा कुसंग में पड़ गया, व्यसन की लत पड़ गई। इसलिए कान पकड़ो कि आज के बाद संपूर्ण आनंद के आगे कोई भेंट नहीं चढ़ाएगा। वो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे महात्मा। उनकी दृष्टि में वस्तुतः संसार के किसी वस्तु का महत्व नहीं था, और कोई आग्रह भी ऐसा नहीं था कि ये चीज नहीं छूते हैं, ऐसा ऐसा भी नहीं था। हम उनके सामने बैठे थे, एक व्यक्ति एक चांदी की थाली, 2 कटोरी और 1 गिलास लेके आया। बोले स्वामी जी ये आपकी भिक्षा के लिए, आप भिक्षा करते हैं इसमें पाया करें, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तब तक एक स्वामीनारायण संप्रदाय के संत आए, वो लकड़ी का गिलास, लकड़ी का कटोरा, एक लकड़ी का थाली जैसी लेके आए। दोनों ने एक ही समय में सामने रखा तो हंस करके बोले कि ये लकड़ी का है ये भी पार्थिव है, और ये चांदी का है ये भी पार्थिव है। मेरी दृष्टि में लकड़ी और चांदी में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। पर बात इतनी सी है कि तुम लोगों की दृष्टि में भेद है, इसलिए ये लकड़ी का बर्तन जल्दी कोई चुराएगा नहीं, दूसरा ले नहीं जाएगा, और चांदी का कोई भी उठा करके ले जाएगा। और हमारे जैसे फक्कड़ विरक्त साधु को चांदी के बर्तन में खाते हुए देखकर लोगों को शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी भावना हम स्वीकार करते हैं। हम बैठे थे, बोले आपके यहाँ ठाकुर जी हैं? हमने कहा हाँ ठाकुर जी तो हैं। तो बोले ठाकुर जी को इसमें भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान तो राजाधिराज हैं, उनको तो बढ़िया पात्रों में भोग लगना चाहिए। हमने कहा महाराज इस समय मलुक पीठ खुला पड़ा है, कोई सुरक्षा नहीं है, और ये चांदी के बर्तन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अरे बोले नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, जब तक ठाकुर जी भोग लगाना चाहेंगे लगाएंगे,
देने वाले ने दे दिया, ले जाने वाला ले गया, साधु पर क्या फर्क पड़ा? तो आप इतना अधिक उसको महत्व क्यों देते हैं? भगवान की सेवा में जब तक रहना चाहेगा तब तक रहेगा, भगवान की इच्छा से रहेगा, रहे तो अच्छा, चला जाए तो भी अच्छा। ऐसे थे वो महात्मा, भेद रहित ज्ञान था उनमें। ऐसे महात्मा थे। श्री हरिद्वार में स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज विराजते थे, अच्छे विद्वान संत थे, चिन्मय मिशन वाले। स्वामी जी को उन्होंने बुलवाया, दिल्ली से रोड के माध्यम से चले, रात को यात्रा नहीं करते थे पर विशेष आग्रह से करनी पड़ी यात्रा। आगे की सीट पर बैठे थे और ट्रक से टकरा गई गाड़ी, बहुत जोर की चोट आई। आप मौन थे इसलिए कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, आह ऊह भी नहीं किया। रक्त बह रहा था, उसको कपड़ा से बांध लिया और गाड़ी वाले को इशारा किया कि चलते चलो चलते चलो। सवेरे रात्रि को हरिद्वार पहुंचे, 1:30-2 बज रहा होगा। तब तक सिर सूज गया था चोट के कारण, कपड़े सब काशा वस्त्र सब रक्त से भीजे हुए थे। देखकर स्वामी जी घबरा गए, महाराज इतनी चोट लग गई, आप इतनी चोट में कैसे आ गए बैठ करके? हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो। तो उन्होंने स्लेट पर लिखा, विश्राम की जगह बताओ, सवेरे देखा जाएगा। और आश्चर्यजनक घटना है, वो जिस कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था थी वहां जाते ही सो गए, नाक बजने लग गई उनकी, उतनी चोट में सो गए। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी चोट में न घबराए न व्याकुल, सो रहे कैसे? सो रहा आदमी तो सो नहीं सकता इतनी चोट में। और सवेरा हुआ तो वो आए, डॉक्टर को लेके आए, उन्हीं कपड़ों में सो गए रात को। और उन्होंने पूछा, स्वामी जी इतनी भयंकर चोट, इतनी सूजन, इतना रक्त निकल गया, फिर आप सो कैसे गए? उन्होंने स्लेट पर लिखा, तुम वेदांत पर प्रवचन करते हो, मैं वेदांत को जीता हूं। तुम प्रवचन करते हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और मैं प्रवचन नहीं करता लेकिन अनुभव करता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं अनुभव करता हूं। ऐसे महात्मा थे। तो उन महात्मा ने कहा कि तुमको तो धन का नशा चढ़ा है जो 24 घंटे में एक मिनट के लिए नहीं उतरता, और ये तो कुसंग में पड़ गया, आज भगवान की दया से सत्संग में आया है, भगवान चाहेंगे तो सुधर जाएगा। उसी का पक्ष लिया उन्होंने, लोगों का बोले ले लिया तुमने, जाओ बैठो मत, तुमको लोग छीन लेंगे पैसा। वो चला गया। अब ये घटना उसके घर तक भी पहुंच गई, वो वहां से 100 रुपए ले आया। तो जैसे ही घर पहुंचा लोगों ने उसकी पिटाई करना शुरू किया, क्यों रे घर का सामान तो बेच बेच के पी गया और वहां महात्मा के यहां से भी ले आया, घर से निकाल दिया। एक जगह बैठकर रो रहा था, रोते 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 वो पिया नहीं उसने 100 रुपया का, रोते 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 और इतना दुखी हो गया, भीतर से ग्लानी करने लग गया कि अरे पिटाई मेरी ठीक हुई, मैं संत के यहां से ले आया। और स्वामी जी प्रसन्न इसलिए थे कि उससे उसने जब 100 रुपए लिया तो पूछा स्वामी जी ने क्या करोगे, उसने कहा शराब पियेंगे। उसने कहा स्वामी जी से शराब पियेंगे, स्वामी जी बोले चलो सत्य भाषण किया इसने, ले जा। वो सत्य पर प्रसन्न होकर दिया था उन्होंने, सच्चा तो बोला झूठ तो नहीं बोला, वहां शराब पियेंगे ले जा। अब उसको इतनी ग्लानी हुई कि उसने निश्चय कर लिया कि मृत्यु हो जाए पर व्यसन नहीं करूंगा, नित्य सत्संग में जाऊंगा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, रोता रहा। शाम को फिर संपूर्ण आनंद जी के पास में आया, वही 100 रुपया लेकर आया, बोले हमारी हिम्मत नहीं हुई इस पैसे से
व्यसन पूर्ति करने की, और मैंने निश्चय किया है कि अब आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा निर्वाह हो जाए, मैं जीवन में कभी व्यसन नहीं करूंगा, और आपको कोई परेशानी न हो तो मैं नित्य सत्संग में आऊंगा। स्वामी जी बोले हम तो ये चाहते ही थे, रुपया वापस ले लो। बोले रुपया वापस नहीं लेते, आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना, इस 100 रुपए के लड्डू खरीद के हनुमान जी को भोग लगाना, और खुद मत खाना, छोटे छोटे बच्चे वहां हो उनको बाल गोपाल की भावना से वितरित कर देना, तुम्हारा व्यसन छूट गया। और जब हम गए वहां सत्संग के लिए, तो स्वामी जी ने कहा कि जिसके बारे में लोग ये चर्चा करते कि इस गांव का सबसे बुरा आदमी था, अब ये सत्संग में सबसे पहला व्यक्ति है, ये इस समय अहर्निश भजन करता है। और वो मीरा जी के नरसिंह मेहता कैसे सुंदर सुंदर पद गाता था, वो व्यक्ति विठल भाई नाम था उसका, इतने सुंदर पद गाता था कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। ये है संत का दर्शन अमोघ होता है, इसका ये प्रमाण है। उदारता भी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि संसार के पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि बनी रहती है। इसलिए यह बात पक्की समझ लो, जिस जीव का अंतिम जन्म होने को होता है उसमें उदारता आ जाती है। निर्लोभ हुए बिना उदार नहीं होगा, उदारता जहां रहेगी वहां लोभ रह नहीं सकता, तो निर्लोभता के बिना उदारता कहां से आएगी। और लोभ रहित हो गया तो वो भगवत तुल्य हो गया। मलुकदास जी कह रहे हैं, जब लग जीविका लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा है।